सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग काफ़ी मिस भी कर रहे होंगे। भाई कहाँ चले जाते हो एक व्लॉग डाल के और फिर आते नहीं हो। भाई इतने काम है मैं आपको बता नहीं सकता। अब वो मैं आपको दिखाऊंगा भी बताऊंगा भी, बस वो कुछ होने वाले हैं कुछ काम इंशाल्लाह, जैसे होंगे तो इंशाल्लाह उसको अपलोड भी करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो अभी सीन ऐसा है कि मैं अपने कुछ दोस्तों को जो है मिलने जा रहा हूँ। हमारा कुछ प्लान बना है कढ़ाई वढ़ाई और मीटअप का, वो काफ़ी टाइम बाद बना है क्योंकि मैं माशाल्लाह से ग्रेजुएट हो चुका हूँ, तो उसका थोड़ा सा हम लोगों को एक मीटअप करना था तो काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी वहीं पे जा रहे हैं, उन सारे दोस्तों से मिलते हैं और आपको दिखाते हैं। सही है, तो स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। सो अभी मैंने अपने एक और दोस्त को उठा लिया, आप देख सकते हैं ये है हमारा भाई, इसका नाम है हसनैन। ये अक्सर आता है मेरे व्लॉग में। किस हैसियत से आता है भाई? ये एमडी की हैसियत से मेरे ब्लॉग में आता है। सही है ना, जब भी आएगा बोलेगा अली भाई मैं एमडी की हैसियत से आऊँगा, वंडा नहीं आऊँगा भाई। सही है, तुम एमडी की हैसियत से आ जाओ। तो अभी एक हम जिसको लेने जा रहे हैं उसको तो आप सभी लोग जानते हैं, उसके बाद बड़े हमने प्रैंक किए हैं, पता नहीं क्या क्या किए हैं। इसका नाम है सैफ। क्यों भाई ऐसा ही है? तो सैफ को अभी पिक करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम जो है जाएँगे अपनी वेन्यू पर कहाँ पर हमें बैठना है। सही है, तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं, इसको आगे दे के चलते हैं। भाई ऐसे ऐसे गड्ढे दिए हुए होते हैं, लोग पागल हैं। दुबई जाते हैं डेजर्ट सफारी पे, यूं यूं करके लैंड क्रूजर ला रहे होते हैं, लैंड क्रूजर डेजर्ट सफारी पे। तो भाई छोड़ दो, मत चलाओ, आओ कराची। हम तुम्हें हर रोड एक जो है ना यहाँ का दुबई है भाई। आप लोग इतनी मेहनत करोगे, टिकट कटवाओगे, फिर वहाँ पे लैंड क्रूजर में प्राडो में बैठोगे, फिर आप लोग क्या करोगे उस पर फुल जो है टक 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 जो है स्लाइडिंग करोगे, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है भाई। आप आ जाएं कराची। सही है ना, आप कराची आ जाएं। कराची में आके आपने सिर्फ रोड पे डेली गाड़ी चलानी है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? उससे ज़्यादा अच्छी है। सही ना, तो ये सीन है। ये आ गया सैफ का घर। ओहो यार, एक तो देखें, आप ये देखें, ये डेजर्ट सफारी के फुल यहाँ पे जो है ना वो है। 2000 years later. So, as usual, वही आप देख लें, सैफ के घर के बाहर खड़े हुए ये साहब। अभी इनको कॉल लगाइए, कह रहे हैं कि भाई मैं तो अभी अच्छा, तुम इसको आगे बिठा दो, उसको पीछे बिठा दो। अबे भाई तू बाहर तो आ जा, तू बाहर तो आ जा भाई, क्या कर रहा है सैफ? व्यूअर्स बोल रहे होंगे तुम कौन हो भाई, मतलब तुम इतना वेट कराते हो अपने दोस्तों को, यार तुम किस किस्म के दोस्त आए हो यार, आ जाओ यार बाहर यार, कितनी गलत बात है, मतलब क्या बोलूँ यार। क्यों यार, तुम्हारा क्या कहना है इस पर? क्यों करता है ये ऐसे? क्यों करता है ये बताओ, बताओ ना। नहीं पता। क्यों नहीं पता, पता लगाओ फिर। है करते हैं कुछ। अच्छा वैसे एक आपको एक बात बताता चलूँ, कि जो मेरा दोस्त बैठा हुआ है ना, ये मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त है, ये एक बहुत बड़ा समझ लें कि फनकार है, कलाकार है। अब वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। जितनी भी स्केचेस होती हैं, लाइव पेंटिंग्स होती हैं, कोई भी आप इसको सीनरी बता दें, ये आपको लाइव पेंटिंग करके दिखा देगा। इसकी आर्ट इतनी, मतलब समझ लें एक प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहा है बंदा, कि अगर आपने वो काम देख लिया ना आप बोलेंगे भाई तुम किस तरह कर रहे हो। लेकिन वही बात है कि टैलेंट, मैं ये नहीं कर सकता, कुछ लोग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग कर सकते हैं और ये उनमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। लाइक आप इसको कुछ भी बता दें, जैसे हॉर्स पेंटिंग होती है, सीनरी होती है, कोई आप इसको लाइव लोकेशन पर ले जाएं, आप बोलें यार ये चीज़ बना दो, या आप बोलें मेरा स्केच बना दो, ऐसा बना के देगा कि आप उसको देख लीजिएगा और जो ना पिक्चर को देख लीजिएगा सेम है। मतलब ये एक बड़ा जो ना प्यारा इसका जो टैलेंट है, ये हमारे आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट डॉट हुनैन आई थिंक है ना, ऐसे ही क्या है, आर्टिस्ट हसनैन अली, इनका जो है इंस्टा हैंडल है, इस पे जाके इनका आर्ट वर्क चेक करिएगा। तो मतलब वही बात है कि भाई टैलेंट जब होता है ना तो वही जानता है, जो आर्टिस्ट होता है ना उसको पता होता है यार मैं अपना टैलेंट कैसे यूटिलाइज करूँगा। कुछ लोग होते हैं यार आर्ट में ये नहीं है, कुछ लोग कहते हैं सिंगिंग में नहीं है, एक्टिंग में नहीं है। भाई जो कर रहा है ना आर्टिस्ट उसको वो करने दें, आप मत बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप बिजनेस मैन हैं, आप बिजनेस करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई बिजनेस नहीं करो, जॉब अच्छी होती है, कुछ लोग कहते हैं जॉब, जो काम बंदा जो कर रहा है ना भाई उसको वो करने दें। क्यों भाई ऐसा ही है? बिल्कुल सही कह रहा है। तो भाई इतनी बातें कर ली, इतना आपको मैंने जो है समझ लें कि भाषण दे दिया, सब कुछ दे दिया। वो देखें उसका भी, ये देखें शश के चेक करें इन भाई के, ये देखें आप। अभी ये गाड़ी में जाएंगे, अपनी चीज़ें निकालेंगे, देखें फुल भाई दशन चल रहे हैं बाहर, देख रहे हैं व्यूअर्स, देखें वो उनका भाई आया है। सही ना, ये देखें, चलो भाई अब दूसरा दरवाज़ा ये आ रहे हैं, देखेंगे
सो रहे होते हैं, ये देखें अब बोलने के जो ना मत बनाओ व्लॉग, अब आके सी का गेट खोलेंगे, मुझे पता था। सर यार पीछे बैठे यार, अबे चल वापसी में आगे बढ़ जाए तुम, ये आने दे इसको। तू इतना लेट आता है यार, तू इतना वेट कराता है यार, तू क्या आदमी है यार, तू सो रहा, रुक जा इधर आ, तू सो रहा, हटाओ यार इसको यार, वैसे नींद अभी पूरी नहीं हुई है। तू इतना बड़ा, मुझे एक बात बता, धोखेबाज है कि तू सो रहा है घर पे, तू बोल रहा है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, क्या सीन है, क्या कर रहा है, बंद कर यार इसको यार, अपने 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 मुखड़े की वो तो करा दो, दीदार कर दे, अच्छा मुखड़े की एक दीदार तो करा दो। ये कौन है भाई? मेरा नहीं बना, इसका बना। ये कौन है? ये इसका भाई है सैफ का, हसन भाई। ये बताओ ये क्या है यार, ये सो रहा होता है फिर हमें बुला लेता बाहर, क्या भाई? चलो भाई इसको अभी, इसको अपना फेस रिवील नहीं करना, इसकी फेस रिवीलिंग भी करते हैं, सही ना, इसकी हर चीज रिवील करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी आज, सही है ना? तू बेटा सबर कर, आज इसकी अनबॉक्सिंग है, अभी मजा आएगा ना। यहाँ पे सारे दोस्तों के साथ, तो सोचा कि यहाँ पे कुछ अच्छा सा कुछ खाते हैं, बैठते हैं। वैसे हम लोग ने यहाँ पे ये प्लान करा कि हम लोग यहाँ का ना चिकन कटा कट खाएंगे, मुझे लग रहा है आई थिंक ये वाली जगह सही है भाई, ये वाली जगह सही है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, सही है, और ऑर्डर करते हैं। वैसे लोग यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पूरे, हाँ प्लेट्स लानी पड़ेंगी मुझे लगता है, हाँ वहाँ यहीं पर आ, तो यहीं पर आ जाओ, यहीं पर आ जाओ, ये सही, मुझे ये सही लग रही है, वैसे इजीली बैठ जाएंगे, है ना, ये सही है ना, ये वाली जगह, और बता यार हसन कैसा, ठीक है? ये हमारा फैजान है, काफी टाइम बाद हमसे मिल रहा है, ये सीएस का स्टूडेंट है। अच्छा इसको जानते होगे, ये भी सैफ का छोटा भाई है, ये भी मैकेनिकल का है, हाँ इसका। तो अभी कुछ ऑर्डर करते हैं, ये आप मेरे पीछे सामने देख सकते हैं कि ये जो है नूरानी कबाब हाउस है, यहाँ का जो सबसे ज़्यादा वैसे लोग जो खाते हैं वो है मिक्स कटाकट, लेकिन वो हम नहीं खाते, मैंने यहाँ का खाया है प्लेन मसाला और चिकन कटाकट होता है, मलाई बोटी है बहुत अच्छी, जो मुझे पता है, तो आज भी हम इनमें से कुछ खाएंगे, तो अभी ऑर्डर करते हैं, अभी वो आए गए तो ऑर्डर करते हैं, फिर बताते हैं कि क्या सीन है। और भाई आप लोगों ने जैसे चैनल पे वही बात है कि सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो स्ट्राइक मारे इसके मुंह पे, सही है, तो जो रेशियो है ना वो नॉन सब्सक्राइबर का ज़्यादा, तो भाई जब देख रहे हो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, क्यों ऐसा ही है ना, सब्सक्राइब करना चाहिए ना, तो सब्सक्राइब करें, तब तक हम कुछ मंगाते हैं। कटाकट का ऑर्डर दे रहे हैं, अच्छा आपने करना ये इधर, अरे आपको नहीं दिखा रहा, आप नहीं दिख रहे हो, नहीं दिख रहे आप, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे, मैं कह रहा हूँ ना नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे आप, आप चिकन कटाकट ले आओ बोनलेस फुल, सही ना, विद नान के साथ, सही है, एक पराठा कर दीजिएगा, बाकी आप जो है ना वो ले आना, सही है, क्या एक रायता ला देना, एक सलाद ला देना, क्या क्या चीज़ होगी बताओ, हाँ चिकन कटाकट बोनलेस, सही ना, बढ़िया लिया आप, सही है। सैफ के एक तो भाई मसला ये, सैफ को हर वक्त जो है ना मस्तियाँ सूझी रहती है भाई, मसला क्या तेरे को है, नींद से उठा यार, तुम्हारा भाई सुधरेगा नहीं है, नींद से उठाया है ये वो है, क्या है यार ये बंदा, क्या है ये, और गालियां कितनी देता है यार, ये भिक्षु है, भिक्षु भी एक रेसलर था यार, बड़ा रेसलर था, अंडरटेकर से लड़ा, क्या रोमन, यही नहीं अभी और सुनिए, रिंग्स हो तुम भाई, ये क्या कह रहा है यार फैजान, फैजान यार छोड़ यार उसको, ले हैंड कर दिया तुमने, कब करा था, कब किया, मैंने कब जो है व्लॉग एंड करा, वो तो अभी व्लॉग स्टार्ट हुआ है भाई, मैं अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, भाई ने जो है मेरा जो है व्लॉग ही एंड करवा दिया, गजब बेइज्जती है, कैसे तेजस्वी लोग बैठे हुए हैं हमारे पास, फोन से वो लगाया तुमने चेहरे पे, हाँ मुझे क्रीम लगाई है।
भाई ये मेरे फेस पे इन लोगों को क्रीम दिख रही है, सब कुछ भी नहीं है भाई, ये देखो हाँ डार्क सर्कल नजर आ रहे हैं, इतनी बुरी हालत हुई है। तो अभी हम लोगों का जो है ये कटाकट बन रहा है, तो इसके पास चलते हैं, देखते हैं कि भाई कहाँ ये यहाँ पे ये कटाकट नहीं है हमारा। अभी कटाकट अभी स्टार्ट हो रहा है, भाई ने टमाटर काट दिए, ये आप चिकन देख सकते हैं, इसमें से सिर्फ जो है ये चिकन रह जाएगी, हड्डियाँ वड्डियाँ सब चली जाएगी, सही हो। और मक्खन में बोला है, सही ना, ये मक्खन में बोला था सही। तो अभी भाई कटाकट बनने वाला है, आप लोग सबको दिखाते हैं। आप ये चीज़ चेक करें, अभी ये जो एक प्रोसेस होता है ना, और जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं, उसकी जो एक महक आ रही होती है ना, बड़ी ख़तरनाक होती है भाई। मतलब आप यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन एक चीज़ का बड़ा मसला होता है कि ये तेल उतर के आ रहा होता है, तो गर्म पानी का बड़ा मसला होता है, लेकिन यहाँ पे खड़े होकर बड़ा मज़ा आता है। अब जैसे मैं आपको एक आगे लेके चलता हूँ, वो दिखाता हूँ, ये ऑलमोस्ट रेडी है, ये देख रहे हैं ये बन चुका है, ये मतलब आई थिंक कोई ग्रेन मसाला कोई इस तरह की चीज़ है, लेकिन ऑलमोस्ट ये बन चुकी है। तो ये अभी यहाँ पे ऐसा है, सीधे बन रही है, ये वाला हमारा है अभी। ये देखें कितना, ये जो सबसे ज़्यादा मसला ना ये होता है जब ये इसकी हीट जो है ना यहाँ पे। खैर इसमें अभी पानी डाल दिए, ये थोड़ा अभी साफ़ सफाई होगी, फिर उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होगा। और ये हम लोग बना रहे हैं मक्खन में, बटर में बोला, तो बटर में जब बनेगा फिर आपको पता है कि कैसा होता है। तो ये वाला सीन है, अभी देख रहे हैं, अभी देखें क्या होता है। वैसे मैं आपको इसका बोर्ड वोड दिखाता हूँ, सही ना, ये आप देख सकते हैं उस साइड पे जो है खालिद बिन वलीद रोड है पूरा, वहाँ से चल रहा है, सही है ना। वैसे तो ये काफ़ी जो है वो फेमस लोकेशन है, वहाँ पे जो है अल्लाह वाला चुरंगी है, वहाँ से आप देखेंगे तो ये नूरानी कबाब हाउस बहुत मशहूर है, काफ़ी पुराना है, इनका टेस्ट है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे कटाकट खा रहे हैं भाई, वो हमें ज़्यादा पसंद है, अभी वो खा रहे हैं, फिर अभी आपको ये चीज़ देखें, ये बन रहा है, और एक ये है, ये वाला हमारा वाला, ये तो अभी जो है नूरानी कबाब हाउस के एक ऑनर है, उनसे बात करके पूछते हैं कि क्या सीन है। ये हमारे यहाँ नूरानी कबाब हाउस के ऑनर है, सर ये बताएं आपका नाम क्या है? नसरुल्ला भाई, ये बताएं कि कब से चल रहा है? 1970। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा वैसे मैंने यहाँ पे ये सुना है कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है स्पेशल हैं, आप क्या कहते हैं कि आपकी नज़र में यहाँ का सबसे बेस्ट जो है वो क्या है? देखो भाई अल्लाह के फजल से चीज़ें तो सारे स्पेशल हैं, मगर जो गेस्ट आते हैं वो कटाकट खाए बगैर नहीं जाते। कौन सा कटाकट? तवे का कटाकट, गुर्दा, मगा, चाप। अच्छा अच्छा, इसके बगैर नहीं जाते, कटाकट लाजमी खाते हैं हर कस्टमर। कोई अगर कोई बीमारी के मुबला हुआ तो फिर वो बारबेक्यू वगैरह का है, कढ़ाई का है, कटाकट के बगैर कोई नहीं जाता है। अच्छा अच्छा भाई, ये कह रहे हैं कि यहाँ का जो स्पेशल कटाकट है वो है जिसमें दिल, गुर्दा, चाप, ये सारी चीज़ें आ जाती है। हमने जो आज मंगाया है वो है चिकन कटाकट विद बटर, तो उसके बारे में आप बताएं कि हमने आज जो मंगाया वो है चिकन कटाकट विद बटर, वो कैसा है? बोनलेस बनाया है, आड़ी वाला बोनलेस, ये भी वही चीज़ है, कटाकट कहलाता है इसको। अच्छा, इसमें मगज और गुर्दे नहीं है, खाली मुर्गी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी VIP इंशाल्लाह पाओगे पता चलेगा। अच्छा अच्छा भाई, अभी ये बता रहे हैं कि बहुत VIP सीन होने वाला है, जो हमने आज ऑर्डर दिया ना, तो ये बड़ा टाइट सीन होने वाला है भाई, ये भाई बता रहे हैं। सर तो आए देखते हैं हमारा वाला कैसा बन रहा है, दिखाते। ये आप देख सकते हैं इसमें से चिकन निकल रही है, क्योंकि हमने बोनलेस का बोला तो ये बोन हटा देंगे, ठीक है ना, ये देखें आप। हाँ, ये इनके बारे में बताएं कौन है? अच्छा ये भाई, ये है क्या ये चीज? ये तो हाफ डन होता है स्पेशल, ये वही गरम करके वापिस। अच्छा, और ये बीफ है, चिकन है, ये कटाकट है, है किस चीज का? अच्छा देख भाई, इसमें ये बता रहे हैं कि इसमें गुर्दे, चाप, सारी चीज़ें, दिल जो है इसमें मिक्स है, ये मिक्स कटाकट है इनका, जो अभी हमें नसरुल्ला भाई ने बताया था कि जो यहाँ का स्पेशल है वो ये है। तो ये वाला भी भाई जब भी आए आप लोग आपको ट्राई जरूर करना, लाभ लूँ, क्योंकि मैं तो ये चीज़ें नहीं खाता। ये हमारे भाई बता रहे हैं कि यहाँ के जो है बहुत पुराने शेफ है। सर आपका नाम? अमीनुल्लाह भाई, कब से बना रहे हैं यहाँ पे? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए, सबसे बेहतरीन चीज़ आप क्या बनाते हैं?
अच्छा ये वाला, और ये फिर आपके हाथ का जो खाता है फिर यहाँ पे आता है हमेशा, ऐसा ही है? अच्छा ऐसा क्या डालते हैं आप इसमें? अच्छा अच्छा भाई ये बता रहे ऊपर वाले ने जायका दिया है जिनके हाथ में, तो ये तो होगा ही अच्छा। वो भाई भी वहाँ पे कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ बना रहे हैं जो है ना, 12 साल से और ये आशीष साहब हमारे साथ है, 20 से 25 साल हो गए जो साथ पे खड़े हैं। अच्छा 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 ये जो आप देख रहे हैं ना, ये होता ये कि रोटी के ऊपर ये सारा मसाले का लगा देते हैं। तो भाई वहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है ना, आपको क्या बताऊँ कि उसकी हीट आ रही थी, भाप आ रही थी, मेरी हालत आप देख सकते हैं क्या आया था, कैसे क्या हो गया देखते देखते भाई। तो ये सीन हो गया है बड़ा, और एक एक का इंटरव्यू लेने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि मैंने सबको इंटरव्यू दे दिया है अपना। इन लोगों को देखें इतने मज़े से यहाँ पे बैठे हैं सारे दोस्त, वो सिगरेट पी रहा है। यार तू किस किस्म का आदमी है यार, मेरी हालत तुम देखो क्या करवा दी है तुमने, है और तुम यहाँ पे सिगरेट पी रहे हो। हमारा आ चुका है चिकन बोनलेस खटाखट विद बटर, और ये आ चुका है देख सकते हैं इसका पराठा, सैफ का पराठा। ये आ गई है किसकी, इसकी कौन है भाई, हसान की नान, और ये इसकी आ गई है सैलेड और रायता। इसका क्या है, इसकी प्लेटें हैं बस, और मेरा क्या है, सब कुछ मेरा है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है भाई। पहली बाइट तो आप लोगों को दिखाना मस्त होता है कि भाई कैसा है हमेशा ना बस कर जा। ये देखें ये देखें, ये मैंने पहली बाइट बना ली, छोटी सी बनाई है लेकिन हाँ हाँ हाँ, जो बटर का टेस्ट आ रहा है ना भाई और स्पाइस, ओ हो हो। ये देखें इनको देखें, ये हमारे रायता भाई हैं, रायता निकाल के इधर हैं। तो अभी भाई खाना पीना हो चुका है, सपने जो है कटाकट फुल मसाला वसाला मस्त जो है खाया है सपने, सही है। अब हम जा रहे हैं कुछ चाय वाय पियेंगे, चाय वाली जगह पे चलते हैं, और वो चाय वाली जगह आप सबको पता है एक ही मशहूर है जहाँ पे हम लोग जाते हैं, जहाँ की चाय हम सबको पसंद है, वो है आलमगीर। तो अभी वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं आलमगीर, आप देख सकते हैं, और जो है यहाँ पे ये सारे जो है बॉयस आ गए, ये यहीं पे होते हैं। ये हमारा कहाँ है, कहाँ गए भाई तुम, ये बैठ गए हमारे एमडी साहब, सही है, ये सैफ साहब, आप कौन है, हसान, और ये हमारे क्रिस इवान हॉलीवुड के एक्टर हैं जो कि यहाँ पे भी हमें चाय सर्व करेंगे। हाँ भाई ऐसा ही है, मशीन नेक इंसान है, बहुत बड़ा नेक इंसान है। तो अभी जो है यहाँ पे चाय वाय पीते हैं और फिर इस ब्लॉग को चाय पीने के बाद करेंगे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितने भी नॉन सब्सक्राइबर का रेशियो है वो ज्यादा है, आप लोग देखते ब्लॉग लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, काइंडली बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें प्लीज, सही है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ये लोग व्लॉग खत्म नहीं करने देंगे ये सारे जो बैठे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।